अगर आप ये जानकारी चाहते हैं कि क्यूनेट की रिफंड पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद आपका पैसा कैसे रिटर्न मिलेगा तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे लोगों को मेरी वीडियोस के बाद ये तो समझ में आने लगा है कि रिफंड पॉलिसी दो तरीके की होती है, 7 दिन की और 30 दिन की। उसमें तो पैसा बहुत इजिली वापिस आ जाएगा, उसके प्रोसेस की वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाई हुई है। आपको कुछ भी क्यूनेट से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो, मेरे चैनल में क्यूनेट क्वेरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसको देखिए, सारी की सारी आपकी कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। मैंने बिजनेस प्लान की वीडियोस भी बना रखी है। बहुत सारे अप्लाइंस आपको शुरू में नहीं बताएंगे कि आपको करना क्या होगा, आपको स्टार्ट करवा देंगे और आप पूछते रहोगे कि करना क्या है, वो प्रोसेस भी मैंने अपने चैनल में बताया हुआ है, आप उसको देखिए समझिए, फिर आगे अगर आपको डिसीजन लेना है। मान लीजिए आपके पास प्रोडक्ट परचेज हुआ है जिसमें 30 डेज की रिफंड पॉलिसी है, टाइम लीजिए, पूरा चैनल क्यूनेट क्वेरीज की पूरी प्लेलिस्ट देखिए, तरीके से देखिए, समझिए, डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि रिफंड पॉलिसी खत्म होने के बाद क्या पैसा रिटर्न हो सकता है या उसको रिटर्न करना है तो क्या प्रोसेस लगेगा। इसमें आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो इसको शेयर करना बहुत मस्ट है, और शेयर करना मस्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस वीडियो का जो कंटेंट होगा वो हर एक इंसान को डिसीजन लेने में हेल्प करेगा जो क्यूनेट में एंट्री कर रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको सच में ही लगता है कि क्यूनेट की रिफंड पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद आपको पैसा मिलेगा तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं। मैंने कई सारी क्यूनेट क्वेरीज के ऊपर मैंने लाइव स्ट्रीम्स की है, मैंने उसमें भी बताया है रिफंड पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद कोई भी पैसा क्यूनेट रिफंड नहीं करेगा आपको। ध्यान रखना, मैंने बार बार एक टर्म यूज किए, क्यूनेट रिफंड नहीं करेगा, यानी अप्लाइन से कहीं ना कहीं रिफंड हो सकता है। हो सकता है आपका अप्लाइन आपका कुछ खास हो, बड़ा भाई हो, बहन हो, या और भी कोई अच्छा दोस्त हो, उसके पास मान लो कमाई आ रही है कुछ भी है तो शायद वो रिफंड कर दे, बट क्यूनेट से रिफंड नहीं होगा। क्यूनेट की अपनी एक रिफंड पॉलिसी है जो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताई है, फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर आपकी परचेज रिसिप्ट आपके पास नहीं है तो सबसे पहला काम करना है आपको परचेज रिसिप्ट को लेना है। सबसे पहला काम मस्ट आपको अपने अप्लाइंस से बोलना कि मुझे प्रोडक्ट परचेज रिसिप्ट दो। बहुत सारे अप्लाइंस आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप थमा देते हैं, उससे कोई यूज नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन स्लिप दी गई है इसका मतलब प्रोडक्ट परचेज नहीं हुआ, और बहुत सारे लोग प्रोडक्ट परचेज की स्लिप को छुपाते हैं ताकि आपकी रिफंड पॉलिसी एक्सपायर हो सके। तो यूएसडी में अगर परचेज रिसिप्ट होगी तो उसका मतलब है 7 दिन के अंदर आपको रिफंड रिक्वेस्ट डालनी है। कोई भी क्वेरी हो इससे क्यूनेट रिफंड से रिलेटेड, दो टाइप की वीडियो मैंने बना रखी है, एक प्रोसेस समझा रखा है, दूसरा मैंने ईमेल फॉर्मेट समझा रखा है, डायरेक्ट वैसे भेज दीजिए, डॉक्यूमेंट्स अटैच कीजिए, रिफंड होना कंफर्म है। दूसरी पॉलिसी होती है अगर आपका प्रोडक्ट परचेज INR में हुआ है यानी इंडियन पोर्टल से हुआ है तो 30 डेज की रिफंड पॉलिसी है, उसमें अगर आप रिक्वेस्ट डाल देंगे तो आपका डेफिनेटली रिफंड होगा। अब एक चीज मैं यहां पे क्लियर कर दूं, बहुत सारे यूट्यूबर्स क्यूनेट के ऊपर वीडियोस बनाने लगे हैं, रीजन कुछ भी हो सकता है, व्यूज लाइक्स या कुछ भी, अपने चैनल को ग्रो कराना, बट वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। क्यूनेट स्कैम के आड़ में उन्होंने अपना एक स्कैम सिस्टम बना लिया है। क्यूनेट रिफंड का एक छोटा सा सिस्टम है जिसको सिर्फ समझना है, वो समझने के अगर आपको समझ में आ गया आपको समझ ये क्लियर हो जाएगा कि रिफंड हो सकता है या नहीं हो सकता। बहुत सारे यूट्यूबर्स 5,000, 6,000, 3,000 कुछ ना कुछ अमाउंट आपसे लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें एडवांस दीजिए। पहले तो ये था कि वो एडवांस नहीं मांग रहे थे, वो बाद में पैसे लेते थे, अब वो लोग एडवांस लेना शुरू हो गए, 3,000, 4,000, 5,000, किसी का तो मैंने सुना 10,000 रुपए ही मांगे गए हैं, और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि 30 डेज के बाद भी वो रिफंड दिलवा सकते हैं। अभी तक कोई भी ऐसा निकल के नहीं आया जिसने सच में 30 डेज के बाद रिफंड लिया हो, अगर उसने अप्लाई किया है तो। 30 डेज से पहले अप्लाई किया है तो रिफंड हो सकता है 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, किसी को तो 4 महीने भी लगे हैं, वो एक अलग चीज है, आपने अप्लाई रिफंड पॉलिसी में किया था। अगर आपने चैलेंज करता हूं अगर रिफंड पॉलिसी के बाद अप्लाई करके रिफंड दिलवाया ना तो मैं बहुत सारे लोग लेके आ सकता हूं जो यहां पे आपके पास आएंगे और आपको 10,000 रुपए भी देंगे, 20,000 भी देंगे,
पर आप उनके साथ जो धोखा कर रहे हैं यूट्यूबर्स, ये बहुत गलत चीज है। यहाँ पे 30 डेज के बाद कोई भी रिफंड नहीं हो सकता, बहुत क्लियर कर दूं, रिफंड नहीं हो सकता। वो क्या प्रोसेस समझा रहे कि कस्टमर केयर को मेल करो, सीबीआई को डाल दो, सीसी में पीएमओ को डाल दो, इसको डाल दो, बड़ी बड़ी एजेंसीज को डाल दो। क्या आपको लगता है ये स्टेप करने से आपको रिफंड मिल जाएगा? मैंने जितने भी लोग मेरे को रिफंड पॉलिसी के ड्यूरेशन में मिले हैं, एक को भी नहीं कहा कि पीएमओ को डालो या सीबीआई को डालो, किसी को डालो, फिर भी उनके पास रिफंड आया। क्योंकि एक प्रोसेस है सिंपल, कस्टमर केयर को जस्ट एक रिफंड की रिक्वेस्ट डालनी है और वो उनकी ड्यूरेशन में गई तो रिफंड मिल रहा है। ऐसा नहीं है, लोग फिर भी घबरा रहे हैं कि रिफंड आएगा नहीं आएगा। अगर आपने रिफंड पॉलिसी में सच में अप्लाई किया तो रिफंड आएगा, उसके बाद आपको रिफंड नहीं मिलेगा। बहुत क्लियर कर दूं, क्यूनेट से रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई पैसे चार्ज कर रहा है तो प्लीज मत दो। ये एक तरफ आपके पैसे जा चुके हैं, आप उनको 10-20 हजार रुपए और दे रहे हो और आपका रिफंड नहीं आएगा, बस बैठे रह जाओगे। उन्होंने तो मेल वेल डलवा दी, उसका कोई यूज नहीं होने वाला। कल की वीडियो मैंने कहा था कि ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूरी इन्वेस्टिगेशन कर चुका है क्यूनेट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से 17 में क्लीन चिट मिल चुकी है, 19 में मिल चुकी है। उसके बाद भी आप पीएमओ सीबीआई सबको डाल दो, उसका कोई यूज नहीं होगा। अब यहां पे मैं एक चीज यहां पे और क्लियर कर दूं कि जब आप रिफंड पॉलिसी के लिए इसमें जा रहे हैं, कोशिश करते हैं बाद में, एक छोटा सा स्टेप मैं आपको बता देता हूं, शायद आपको ये हेल्प कर जाए, बट स्टेप थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा लंबा है, मेहनत जरूर करनी है आपको। तो देखिए क्या स्टेप है वो। आपको क्या करना है, आपको अपने अप्लायंस की रिकॉर्डिंग्स करनी है, व्हाट्सएप हो, फोन ऑडियो कॉल्स हो, चैट्स हो, कुछ भी हो, आपको वो प्रोसेस करना है। उनकी अनएथिकल एक्टिविटीज को गेन करना है, आपको उनके अगेंस्ट प्रूफ इकट्ठे करने हैं। इन प्रूफ इकट्ठे करने से क्या होगा, इसके बाद अगर आप एनसीडी इंडिया, जो कि नेटवर्क इंटीग्रिटी डिपार्टमेंट है, आप उसको क्यूनेट में भेजेंगे कि आपके अप्लायंस बहुत गलत काम कर रहे हैं, अनएथिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपने क्यूनेट में उन्हें गिल्टी प्रूफ करा दिया, क्यूनेट में प्रूफ करा दिया कि वो अप्लायंस आपके गलत है, उसके बाद आप एफआईआर लॉन्च कीजिए। एफआईआर में आप ये बता सकते हैं कि क्यूनेट ने उन्हें दोषी पाया है, क्यूनेट ने उन्हें गलत करार दिया है और इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया है, इन्होंने मनी सर्कुलेशन किया है, इन्होंने धोखाधड़ी की है। ये पॉइंट के बेसिस पे आप एफआईआर कर सकते हैं और एफआईआर करने के बाद आप अपने अप्लायंस से पैसे वापस का क्लेम कर सकते हैं। यही एक स्टेप बचता है आपके पास। पीएमओ में जाइए, कुछ भी करिए, बट आपको फोकस आपका अप्लाई करना पड़ेगा। कंपनी रिफंड नहीं देगी, लाखों लोग बैठे हैं जिनको रिफंड नहीं मिला, लाखों क्या पता नहीं करोड़ों हो चुके होंगे इस टाइम, रिफंड नहीं मिला आफ्टर रिफंड पॉलिसी एक्सपायर। बट एक स्टेप प्रमोट करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, अपने अप्लायंस की अनएथिकल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करो, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो, कुछ भी आप स्टेप ले सकते हो, व्हाट्सएप चैट्स, क्यूनेट सब एक्सेप्ट करता है, क्यूनेट व्हाट्सएप चैट्स को भी एक्सेप्ट करता है। बस आपको ये निकलवाना है कि उन्होंने आपको कंपनी का नाम नहीं बताया, आपको ये निकलवाना है उन्होंने आपको रिफंड पॉलिसी नहीं बताई, आपको ये निकलवाना है कि उन्होंने आपको बड़ी बड़ी बातें करी, पैसे की गारंटी दी, आपको ये रिकॉर्ड निकलवाना है कि उन्होंने आपको ये तक कह दिया कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है, हम सब करेंगे। ऐसे करके अगर आपसे पैसे निकलवाए गए हैं तो ये अनएथिकल एक्टिविटी है, ये फ्रॉड है, प्रॉपर फ्रॉड है। इसमें अगर आप अप्लायंस की कंप्लेन करते हैं, पहली कंप्लेंट क्यूनेट को जाएगी, अगर क्यूनेट हेल्प नहीं करेगा तो आपको डायरेक्ट एफआईआर में जाना है, बट पहले आपको क्यूनेट को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी उनको टर्मिनेट करने के लिए, और जैसे ही वो टर्मिनेट होंगे एफआईआर लॉन्च करो, एफआईआर के बाद मनी क्लेम करने की पूरी कोशिश करो अपलाइन से, शायद आपका तभी पैसा आ पाएगा, नहीं तो और कोई स्टेप नहीं है, मूव ऑन करना ही बेस्ट पार्ट रहेगा। आई होप आपको पूरी एक चीज समझ में आई होगी कि 30 डेज के बाद भी जो यूट्यूबर्स आपके साथ स्कैम कर रहे हैं, आपको उनको भी रोकना है। क्यूनेट के जो पर्पस चल रहा है, क्यूनेट का जो मॉडस ऑपरेंडी है, उसके पीछे जो स्कैम चल रहा है, उसको तो हम रोकने की कोशिश कर ही रहे हैं अपनी वीडियोस के थ्रू, साथ में आपको जो नए स्कैम शुरू हो गए जो यूट्यूबर्स कर रहे हैं, उसको भी रोकने की जरूर कोशिश करनी है। किसी को भी पैसे पे नहीं करने, ध्यान रहे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अगर सच में इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता किसको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी। हो सकता है कोई फंसा बैठा हो,
हो सकता है कोई रिफंड पॉलिसी किसी को ना पता हो, उसको ये वीडियो मिल जाए और उसकी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच।